ब्रह्म राक्षस के विषय में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है। इसकी टिप्पणी अपने तरीके से करने का एक ही अर्थ बन सकता है, और वह यह कि हम पूर्व निर्धारित कल्पनाओं के आधार पर, पूर्वाग्रहों के आधार पर कविता की टीका न करें, बल्कि किसी साधारण पाठक के लिए बोधगम्य, सहज बनाने हेतु इस कविता के अंतर्मन में प्रवेश करें। यह कविता न केवल अपने अंतर्मन, अपनी आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उस आत्मा का वाहन, उसके शरीर, इस विचार का निवास, उसका परिवेश भी महत्वपूर्ण है। कविता की पहली 30-32 पंक्तियों में एक परित्यक्त बावड़ी और उसके परिवेश का चित्र है। बावड़ी शहर के बाहर किसी खंडहर की ओर, संभव है किसी पुराने खंडहर का हिस्सा हो। उसके ठहरे पानी के अंदर तक सीढ़ियां गई हैं। कितनी सीढ़ियां पता नहीं, कुछ कुछ मानव के अचेतन मन की कल्पना भी कर सकते हैं। सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में, समझ न आ सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो। इन पंक्तियों को, ऊपर की पंक्तियां और इन पंक्तियों को, आने वाली पंक्तियां विगत शत पुण्य का आभास इत्यादि से जोड़कर देखें तो एक विस्तृत कल्पना, एक विस्तृत छाया उपलब्ध हो पाती है। एक तरह से इसके बाद की सारी पंक्तियां काफ़ी संदर्भित, वेरी कंटेक्चुअल हैं, अर्थात उन्हें एक निहित संदर्भ में ही समझें तो ही लेखक का ध्येय स्पष्ट हो पाता है। बावड़ी के चारों ओर गूलर के पुराने पेड़ हैं, जिनकी शाखाओं पर घुघुओं के परित्यक्त घोंसले हैं। प्रसंगवश हम जानते हैं कि गूलर दत्तात्रेय नामक ऋषि, दुर्वासा के भाई दत्तात्रेय के अवतार से जुड़ा प्राचीन काल से समादृत वृक्ष है। कौशिक सूत्र में, अथर्ववेद में गूलर की लकड़ी के अनेक तांत्रिक या रहस्यमय उपयोग बताए गए हैं। बावड़ी को घेरे ये प्राचीन पेड़ भी उन रहस्यों की ओर इशारा करते हैं। क्या ये वृक्ष प्राचीनता, भूतकाल के गौरव और रहस्य का वातावरण बनाते हैं? उल्लुओं के, घुग्घुओं के परित्यक्त घोंसले, खंडहर, बावड़ी और पुराने गूलरों के सम्मिलित प्रभाव को गाढ़ा करने वाले इस परिवेश का आलम यह है कि इसे उजाड़ कर उल्लू प्राणी भी छोड़ गया है। विगत शत पुण्य का आभास किसी विगत श्रेष्ठता का चित्र है, जो वातावरण में अस्पष्ट भाव की तरह लटकी हुई है, दिल के खटके की तरह, जो दृश्य और घटित को स्वीकार करने में बाधक साबित हो रही है। इस बावड़ी के इर्द गिर्द भूतकाल में कुछ अच्छा घटा है, जिसकी सुगंध वर्तमान के प्राकृतिक गंधों में अभी भी समाई हुई है, पर सुगंध की अंतर दृष्टि, उसकी परिणति एक आभास, किसी संदेह की तरह अस्पष्ट है। बावड़ी के किनारे और भी वनस्पतियां हैं जो पुरानी नहीं हैं। टगर का पौधा है, बावड़ी में झांकते हुए हरे जंगल के घास की गंध है। यह दृश्य का अंग होकर भी अलग है, यह भूतकाल के गौरव का हिस्सा होकर भी वर्तमान है। हो सकता है कि यह सामान्य जन का प्रतीक हो। जहाँ बावड़ी का मुंह गूलर की शाखाओं में आवृत नहीं है, जहाँ खुला आसमान है, वहीं एक लाल कनेर का पेड़ है, जो संभवतः भविष्य और आशा का प्रतीक है। लाल रंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह वामपंथियों का, साम्यवादियों का प्रतीकात्मक रंग है। इन
परिस्थितियों में, इस परिवेश में ब्रह्म राक्षस की चर्चा प्रारंभ होती है। ब्रह्म राक्षस के विवरण में ब्रह्म राक्षस की अथवा ब्रह्म राक्षस जिस विचार का, जिस चेतना का प्रतीक है, उसकी मानसिकता के विषय में तीन चार बातें उभर कर आती हैं। आत्म विक्षिप्त आचरण, अपराध बोध और आत्ममुग्धता, न्यूरोटिक, गिल्टी एंड नार्सिसिस्ट। विक्षिप्त आचरण के निर्देशक हैं बड़बड़ाहट, लगातार नहाने की मनोवैज्ञानिक बाध्यता, संस्कृत शब्दों का असमंजित उच्चारण, कि जैसे मन के अंदर कोई अंधेरा कोना, उद्भ्रांत शब्दों की नित्य नवीन जटिलताएं और परस्पर विरोधी विचारों के टकराव और उससे उपजी धुंध और अंत में ज्ञानानुभव का उलझाव, जो केवल एक संयोजनहीन पागलपन भरे शब्दों में ही व्यक्त हो पाता है। गहन अनुमानिता, इस संदर्भ में कवि ने गहन अनुमानिता का एक व्यंजक उपयोग किया है। इस गहन अनुमानिता का अर्थ क्या हो सकता है? इस गहन अनुमानिता का अर्थ प्रिजुडिस और स्टेल रिचुअल्स से लिया जा सकता है और उसके ठीक अगले बंद में तन की मलिनता, गहन अनुमानिता और तन की मलिनता को दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया को दूर करने के लिए दिन रात ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह, हाथ के पंजे बराबर। तो ये कौन सा प्रिजुडिस है, ये कौन सा स्टेल रिचुअल है, ये कौन सी शारीरिक अस्वच्छता है जिसको मलने के लिए, जिसको जिससे दूर भागने के लिए ब्रह्म राक्षस लगातार प्रयत्नशील है, टू द एक्सटेंट ऑफ मैडनेस, टू द एक्सटेंट ऑफ न्यूरोसिस। गहन अनुमानिता का अर्थ परिकल्पनाओं का उलझाव भी हो सकता है। इस न्यूरोसिस का दूसरा आयाम अपराध बोध भी है। यह अपराध बोध या अपराध बोध न केवल ब्रह्म राक्षस की है, न केवल उस परित्यक्त बावड़ी की है, बल्कि हमारे समय का भी है। संदर्भ में देखेंगे तो मुक्तिबोध स्वतंत्र भारत के लेखक हैं, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। स्वतंत्र भारत या भारत की स्वतंत्रता का में ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, पुरातन, पौराणिक प्रतीकों का भरपूर इस्तेमाल हुआ। फिर चाहे वो बाल गंगाधर तिलक का गणेश उत्सव हो, चाहे गांधी जी का नित्य वंदना, पूजा पाठ या मिस्टिक डिस्कोर्स हो, यहाँ तक कि बड़े बड़े साम्यवादी नेतागण भी स्वयं को देवत्व की वाग्मिता से दूर नहीं रख पाते। आवश्यकता होती है तो श्री सुभाष चंद्र बोस भी अपनी वाहिनी सेनाओं का नाम दुर्गा, काली इत्यादि इत्यादि रख लेते हैं। ब्रह्म राक्षस को अपना अंतर बाह्य मलिन लगता है। ब्रह्म राक्षस को अपना अतीत, अतीत से जुड़े हुए पूर्वाग्रह, अतीत से उपजे हुए ज्ञान, जिसको मैं इससे पहले स्टेल रिचुअल कहा, ब्रह्म राक्षस इन बातों से ऊब चुका है, थक चुका है, परेशान हो चुका है और इस कदर नाराज है कि अपने आप को स्वच्छ रखने हेतु अनवरत स्नान करता है, लेकिन मलिनता है कि दूर ही नहीं होती, इतिहास है कि मिटता ही नहीं, अतीत है कि खोता ही नहीं, मंत्रोच्चार से शांति नहीं मिलती और होठों से अनोखा स्तोत्र कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार, उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह। आत्मलोचन के प्रकाश से अंदर बैठी संवेदनात्मक कालिका दूर कहाँ होती है।
यह प्रबल अपराध बोध अस्तित्वमूलक है या नैतिक समसामयिक? अस्तित्वमूलक अपराध बोध एग्जिस्टेंशियल गिल्ट बेवजह होता है। उदाहरण के लिए जैसे अपूर्णता का बोध, जैसे असौंदर्य का बोध, जो हमारे किसी किए पर निर्भर नहीं करता, जो कि होता है, विच एग्जिस्ट्स बट येट वी फाइंड आवरसेल्व्स इन सिचुएशंस ऑफ बीइंग गिल्टी अबाउट इट, रिजेक्टिंग आवरसेल्व्स। ये है अस्तित्व मूलक, अस्वीकार करने की परिणति, अस्वीकार करने का संभ्रांत रोग। अपूर्णता हमारे अस्तित्व का अनिवार्य गुण है, कुरूपता हमारे शरीर का स्वाभाविक गुण है, फिर भी हम देखते हैं, हम अक्सर सुंदर न होने के लिए हम अक्सर स्वयं को दोषी मानते हैं, और फेयर एंड लवली से लेकर के विको वज्रदंती तक अपने आप में लिपते रहते हैं, पोतते रहते हैं, क्या हम और आप ब्रह्म राक्षस तो नहीं? अपराध बोध की बगल में उसकी विरोधी मानसिकता छुप कर बैठी हुई है, जिसे हम आत्ममुग्धता या नार्सिसिज्म समझते हैं। देखिए, किंतु गहरी बावड़ी के भीतर दीवार पर तिरछी गिरी रश्मि, रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव की नवनेवी, विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। सूर्य की किरणें जब बावड़ी में पहुंचती हैं या चांदनी की भटकी किरण बावड़ी की दीवारों को छू जाती हैं, तो ब्रह्म राक्षस समझता है कि सूर्य चंद्रमा बल्कि सारा आकाश, बल्कि सारी धरती, बल्कि सारा ब्रह्मांड उसकी वंदना करते हैं, उसको अप्रिसिएट करते हैं, उसे ज्ञान गुरु मान लिया है। कह सकते हैं कि यह विक्षिप्तता भी या आत्ममुग्धता भी विक्षिप्तता का ही अंग है। एक अलग अर्थ में यह नार्सिसिज्म, यह आत्ममुग्धता, आत्मविश्वास भी दर्शाता है। और इससे पहले कि हम ब्रह्म राक्षस के वृत्तांत को और समझें, मैं खुद को रोक नहीं पाता इसी तरह के एक अन्य टेक्स्ट, एक अन्य साहित्य पर आपका ध्यान आकृष्ट कराने हेतु, जो कि मेरे मायने में इस किताब से भी बेहतर किताब है, और उस किताब का नाम है दस स्प्रेक जरथुस्त्र। अतः जरथुस्त्र ने कहा, 30 साल की आयु होती है कि जरथुस्त्र अपना घर बार छोड़कर पहाड़ पर चला जाता है। ये बड़ी खतरनाक आयु होती है 30 साल, चाहे लाओत्से हो, चाहे गौतम हो, गौतम बुद्ध, चाहे ईसा मसीह, 30 साल की उम्र आते आते ये सारे लोग घर बार से विमुख हो जाते हैं, अर्थात दुनिया की माया में अपने आप को ठीक से नहीं देख पाते। इसीलिए या इसके प्रसंग में, इसके समक्षता में, समग्रता में हम देखें तो 29 साल की आयु में कितने ही लोगों ने आत्महत्या की है। कर्ट कोबेन, जिम मॉरिसन, अनेक उदाहरण मिल जाएंगे आपको प्रसिद्ध लोगों के, कलाकारों के और उन्नत कलाकारों के, उन्नत विचारकों के, जिन्होंने 29 साल 30 साल की आयु में अपने आप को आत्महत्या कर बैठे अपनी। 30 साल की उम्र में जरथुस्त्र घर छोड़ के पहाड़ पर जाता है, 10 साल अपनी साधना करता है, उसके बाद जब वो एक दिन 10 साल बाद अपनी पहाड़ पर से, अपनी गुफा से बाहर देखता है तो सूर्य को देखता है, और सूर्य को बड़ा देखकर बड़ा प्रभावित होता है, कहता है, ओ एग्जर्वेंट सन, हे महान सूर्य, आप कितने महान हो कि कोई आपकी फिक्र करे न करे, कोई आपको आपकी सराहना करे न करे, फिर भी आप रोज़ सुबह आ जाते हैं, आप न होते तो धरती दुनिया चलती कैसे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और आपसे प्रेरित होकर, और जिस तरह मधुमक्खी अपने
मधु से भारी हो जाती है। जरथुस्त्रा भी अपने आप को भारी महसूस करता है उस ज्ञान से, और इस ज्ञान को वो बांटना चाहता है, वांट्स टू एम्प्टी हिज कप अगेन। यह कहते हुए जरथुस्त्रा पहाड़ से लौटकर अपने गांव की तरफ जाता है, एंड दस बिगिन जरथुस्त्रा डाउन गोइंग। यह प्रोलोग है 10 पे जरथुस्त्रा का। क्यों मैंने इसका उल्लेख किया ब्रह्म राक्षस की कथा में, ब्रह्म राक्षस के विवरण में? दो कारण है। पहला तो यह कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान उपलब्ध होगा उसे विक्षिप्त मानना या विक्षिप्त प्रकाशित करना एक सामाजिक प्रक्रिया है। मेरे ख्याल से ब्रह्म राक्षस 60 के दशक में, 1960 के दशक में लिखी गई, छपी भी, और उसी के करीब 5-10 साल के दौरान के आसपास मिशेल फुको की मैग्नम ओपस मैडनेस एंड सिविलाइजेशन भी पब्लिश हुई। अब मैडनेस एंड सिविलाइजेशन संपूर्ण रूप से पागलपन को या पागलपन की परिभाषा को एक सामाजिक और यहाँ तक कि वो शक्ति संबंध से प्रस्तावित सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। तो ज्ञान का होना विक्षिप्तता का ना होना के बराबर है। व्हाट इज मैडनेस इफ नॉट द नॉलेज दैट व्हाट यू एक्सपीरियंस इज बट एन इल्यूजन। बहरहाल दूसरी बात यह है, बार बार ये बुझ जाती है, एक सेकंड। दूसरी बात यह कि जब हम ज्ञान से भरे होते हैं तो झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, और उस ज्ञान के भार में अपने आप को इस कदर विवश पाते हैं कि हमें उस ज्ञान से मुक्त होना पड़ेगा, हमें उस ज्ञान को बांटना पड़ेगा, हमें वो ज्ञान को जनहित में उपयोग करना पड़ेगा। तो जो कल्चरल मटीरियलिज्म की परिकल्पना है, जो धारणा है, 1968 में आदरणीय मर्विन हैरिस ने किताब लिखी, और उस किताब का नाम ही मेरा ख्याल है कल्चरल मटीरियलिज्म था, या न्यू थ्योरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह से उन्होंने इसको प्रस्तावित किया। यदि हमारे पास ज्ञान हो तो उस ज्ञान का उपयोग क्या है? उसका उपयोग है उस ज्ञान को मटीरियल में कन्वर्ट करना। और कल्चरल मटीरियलिज्म कहता है कि समाज में जो ईगो आईडी सुपर आईडी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर है, इन सब में एक मटेरियल एलिमेंट है जो कि उसके इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट को, सिचुएशन को प्रभावित करता है, उसका कल्चर डिसाइड करता है। कौन? मटेरियल। मार्क्सवादी हालांकि उनसे बहुत इत्तेफाक नहीं रखते, उनका जो है सो बहुत सम्मान नहीं करते इस मामले में। वो कहते हैं कि, मैं पढ़ के बताऊं, मार्क्सिस्ट बिलीव दैट कल्चरल मटेरियलिस्ट रिलाई टू हेविली ऑन द वन डायरेक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर सुपरस्ट्रक्चर रिलेशनशिप टू एक्सप्लेन कल्चरल चेंजेज, एंड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द बेस अ डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ सोशियो कल्चरल सिस्टम अंडरलाइंग द स्ट्रक्चर एंड मार्क्स इन मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी एंड द सुपर स्ट्रक्चर मस्ट बी डायलेक्टिकली व्यूड। ये फ्रीडमैन ने लिखा है 1974 में। मेरा ख्याल हैरिस को मैं देखूँ, हैरिस जो थे सो 1979 दिखा रहा है, बट मेरा ख्याल उससे पहले भी का एडिशन भी होगा। तो पहला कारण तो यह है कि ज्ञान अपने परिणति में, अपनी प्रफुल्लता में मटीरियल में कन्वर्ट हो जाना चाहता है, एंड वाइसी वर्षा मटीरियल भी अपनी संपूर्णता में ज्ञान को प्रकाशित ही करता है। अल्डस हक्सली ने किताब लिखी द डोर्स ऑफ परसेप्शन वर क्लेंज्ड आई वुड सी द वर्ल्ड एज इट इज इनफाइनाइट। ये विलियम ब्लेक का कथन है। तो उस किताब में आदरणीय हक्सली साहब मेस्कलिन ले लेते हैं करीब 30 मिलीग्राम और ट्रांस में चले जाते हैं, और फिर देखते हैं कि इट इज़ नॉट द स्पेस दैट मैटर्स बट द क्वालिटी ऑफ स्पेस अराउंड इट, अराउंड एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ नॉट द टाइम दैट मैटर्स बट द
वेलोसिटी ऑफ टाइम। तो इस तरह की परिकल्पनाएं व्यक्ति को ट्रांसेंडेंटल स्टेट में आती हैं। इस तरह यदि आदमी इतना सचेत हो कि वो 30 ग्राम मेस्कलिन ले ले, कोकेन ले ले, किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाए, तो उसे बारीक से बारीक वस्तु भी ज्ञान का पुंज लगती है। इन दोनों प्रसंग तरीकों से, एक तो यह है कि ज्ञान से आदमी विक्षिप्तता से दूर हो जाता है, उसे कोई पागलपन नहीं रहता, और दूसरा कि ज्ञान अपनी संपूर्ण अवस्था में मटीरियल में कन्वर्ट हो जाता है, पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। यह ब्रह्म राक्षस के पैरेलल रीड में, समानांतर पाठ में सहायक हो सकती है। हमारा ब्रह्म राक्षस परेशान है अपने अतीत से, अपने रहस्यमयी अवचेतन मन से, जिसका प्रतीक खंडहर है जो कि सूखा हुआ है, जिसमें उल्लू भी त्याग दिया है, पानी है वो भी बहुत ठहरा हुआ है, कि जैसे बात का गहरा हो आधार लेकिन समझ में नहीं आती है। और यही जरथुस्त्र बड़ा प्रसन्न चित्त होकर पहाड़ से उतरता है जनता को ज्ञान देने। जरथुस्त्र जब पहाड़ से नीचे उतरता है और लोगों को अपना साहित्य समझाता है, अपना ज्ञान समझाता है, तो लोग उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं, गंभीरता से कोई नहीं लेता उनको कहने का अर्थ है, या मनोरंजन से आगे नहीं बढ़ पाते। जरथुस्त्र बड़े निराश होते हैं। और पूरी की पूरी यह किताब, फ्रेडरिक नीचे किताब, इस बात पर आधारित है कि जब जरथुस्त्र ने लोगों को ज्ञान देना चाहा और लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, तो जरथुस्त्र ने अपने ज्ञान को किस तरीके से फिर प्रकाशित किया। यानी ज्ञान के प्रकाशन उसकी अभिव्यक्ति से मुक्ति नहीं है, वह आपको देर सवेर करना ही करना है। बड़ा उदास हुए। हो सकता है, और हो क्या सकता है, मेरे अनुमान से, मेरी गहन अनुमानिता में, ब्रह्म राक्षस जरथुस्त्र का भारतीय संस्करण है। जब ब्रह्म राक्षस आत्ममुग्धता के क्षणों में होता है, तो वह द्विगुण उत्साह से सुमेरी बेबीलोनी कथाओं से लेकर वेदों तक, वेदों की कविताओं के रचना काल में जीवित तथा सक्रिय दार्शनिकों तक, उनके तथ्यों, कथ्यों, सिद्धांतों की व्याख्या तक स्वाभाविक रूप से प्रवेश कर जाता है। केवल व्याख्या नहीं करता, नई व्याख्या करता है। नॉट जस्ट ए मॉडर्न इंटरप्रिटेशन बट ए पोस्ट मॉडर्न वन, व्हिच इज अगेन वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही इज नॉट एक्सेप्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। अर्थात बावड़ी के अंधेरे में कैद ब्रह्म राक्षस वस्तुतः रचनाशील है, क्रिएटिव है, सृजनात्मक है। व्यक्ति, मनुष्य कितनी भी जटिल समस्याओं से जूझ रहा हो, वह अपनी रचना धर्मिता का त्याग नहीं कर सकता। ऐसा कोई कालखंड नहीं है मनुष्य में, मनुष्य जाति का, जब उसने रचना धर्मिता को डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया। और मैं तो कहूंगा कि जितने भी धार्मिक आयोजन हैं, जितने भी धार्मिक परिकल्पनाएं हैं, वो सारी रचना धर्मिता के आधार पर हैं, वो सारी सृजन की परिकल्पनाएं हैं। कहते भी हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया, उधर पाश्चात्य में या मध्य यूरोपीय परिकल्पनाओं में द बुक ऑफ जीनेसिस, या ऐसा कोई भी, आप संसार का कोई भी समुदाय, कितना भी डिस्टिंक्ट, कितना भी डिस्क्रीट, कितना भी आइसोलेटेड क्यों ना हो, यदि उसकी मेटाफिजिक्स को, उसकी कथाओं को, उसके व्यवहार को, उसके जीवन शैली को, उसकी आकांक्षाओं, उसकी संवेदनाओं का अन्वेषण करेंगे, तो हम पाएंगे कि उसके समस्त क्रियाएं एक सर्टेन जीनेसिस की रूपरेखा तैयार करते हैं। उसमें नई व्याख्याएं ब्रह्म राक्षस करता है। आमतौर पर लोग आर्किटिपिकल व्याख्याएं करते हैं, कुछ हीरो बन जाते हैं, कुछ साधु बन जाते हैं, कुछ मंकी बन जाते हैं, कुछ सांप बन जाते हैं, कुछ आलोक मिश्रा बन जाते हैं, लेकिन नई व्याख्या करना ब्रह्म राक्षस बनाता है। उसकी रचनाशीलता का अंत उद्भ्रांत ध्वनियों में होता है, जिनमें हर शब्द अपनी ही प्रतिध्वनि से कटकर अर्थ खो रहा है। कैसे? ये गरजती गूंजती आंदोलिता, गहराइयों से उठ रही ध्वनियां, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता, वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से। यहाँ अब ऐसे शब्द जो कि अपने प्रतिध्वनियों से लड़ते हों, यह हमें एक दूसरे उत्तर आधुनिक दार्शनिक की ओर सोचने पर मजबूर करता है। और जो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने मेरी प्रेरणा के बगैर ही उसे अपने शीर्षक में भी डाल दिया,
डेफर्ड ड्रीम, यही है ना शीर्षक, इस तरह का है मेरा, डेफर्ड तो है ही। नाउ व्हाट इज दिस डेफर्ड, व्हाट इज दिस डिफरेंस, व्हाट इज दिस डिफरेंस, व्हाट इज दिस writing and difference. There's a book by Jack Derrida called Writing and Difference, in which he utilizes all available tools, which is basically the intellectuals of 20th century, those preceding him or his contemporary. He investigates their methods, Michel Foucault, Ferdinand Saussure, Freud, Levinas, Edmund James, you know, and finds out and locates a difference where the words mean something, which means something and mean something. So difference is the angular momentum of the literature. अब जब यह बावरी के किनारे बैठी टगर बावरी से उठने वाली confused ध्वनियों को सुनती हैं और सुनते हैं प्राचीन गूलर वृक्ष और वक्ता कवि स्वयं, तो ये difference, तो ये अंतर स्थापित होता है किसके बीच, शब्दों और उसके प्रतिध्वनियों के बीच। यानी कि प्रतिध्वनि का अर्थ एक तरह से अर्थ होता है, द मीनिंग ऑफ इट, जो शब्द हमने कहा और फिर हमने सुना तो हमने कहा कि हमने क्या कहा, यह भी उसके विक्षिप्तता को सिद्ध करता है ब्रह्म राक्षस के। हालांकि मुझे संदेह है कि इस तरह की विक्षिप्तता से आधुनिक मनुष्य सर्वदा ग्रसित है, पीड़ित है। अब यहाँ एक और बात आप देखिए कि कनेर के फूलों की जगह करौंदे के फलों का जिक्र आया है, जो सुनने वालों में शामिल है ना, सुनते हैं करौंदों के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन औदुम्बर, सुन रहा हूँ मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। तो करौंदे के सुकोमल फूल, ये नन्हे नन्हे बच्चे उस ट्रेजेडी को सुन रहे हैं, आजाद भारत के बच्चे भूख से बिलबिलाते, अपनी माओं को हैरान करते गरीब किसान के बच्चे सुन रहे हैं क्या ध्वनि और प्रतिध्वनि का अंतर युद्ध, शब्द और अर्थ का संघर्ष, अतीत और वर्तमान में सामंजस्य की एब्सेंस, अनुपस्थिति। इस तरह कविता के प्रथम भाग का अंत होता है, इसके बाद विराम का संकेत है। मेरे समझ से आदरणीय मुक्तिबोध ने अपने समय का तो चित्रण किया ही है, अपनी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तो किया ही, अपना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तो किया ही है, साथ ही साथ उन्होंने हर मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का जिम्मा भी उठाया। इस तरह की दशाएं, इस तरह का की हड़बड़ाहट, इस तरह की अकुलाहट कोई विचित्र बात नहीं है, यह हर किसी के जीवन में घटता है। वांछनीय हो या ना हो, इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि लोग अपने आप को साफ करने के जद्दोजहद से में जकड़े हुए लोगों को पहचानते हैं। सनातनी धर्म परंपरा में स्वच्छता शुचिता का बहुत बड़ा अर्थ है। महिलाओं को यज्ञ में बैठने की आज्ञा नहीं है, कारण वो अशुद्ध हैं, अशुद्ध। तथाकथित निचली जातियों को वह प्रिविलेज प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो अशुद्ध हैं। तो शुचिता न केवल शारीरिक है, बल्कि अनुवांशिक, जेनेटिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल भी हैं। ब्रह्म राक्षस के पहले क्रम का अंत करते हुए हम यह देखते हैं कि ब्रह्म राक्षस की का जो परिवेश है वह आजाद भारत का परिवेश है, आजाद भारत की समस्याओं का परिवेश है और आज़ादी का परिवेश है, एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम, अस्तित्व मूलक स्वतंत्रता का परिवेश है। यहाँ कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है, या जो जबरदस्तियाँ हो रही हैं वो एजेंसी की मोहताज नहीं है। एक बात तो हम ये ऑब्जर्व किए, दूसरी बात यह है कि इस बावड़ी में भले ही उल्लुओं ने त्याग कर दिया, लोग नहीं जाते, ब्रह्म राक्षस अकुलाया हुआ है, लेकिन वहाँ की वनस्पति बिल्कुल सचेत है। करौंदे के फूल हैं, कनेर के फूल हैं, टगर का फूल है, गूलर का वृक्ष है, घास हैं, वनस्पति प्रकृति, वनस्पति को तो मैं प्रकृति माइनस मनुष्य कह सकता हूँ, तो वनस्पति कभी भी किसी का परित्याग नहीं करती। यह मनुष्य है जो धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है और कह नहीं सकते कि वह
एक कोने में रहकर बुरा करता है कि दूसरे कोने में रहकर बुरा करता है या कि दोनों में। लेकिन वनस्पति, पेड़ पौधे वो भेदभाव नहीं करते। कह सकते हैं कि रचना धर्मिता जो मनुष्य के पास है वो इन्हीं पेड़ पौधों की सत्संग से आई होगी, या यह कह सकते हैं कि रचना धर्मिता मनुष्य का अनुवांशिक गुण मात्र नहीं है, वह प्रकृति की संजीवनी गुणवत्ता है। इतना कहने के साथ यह पूर्व भाग समाप्त हुआ।